आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में मेजबान इंग्लैंड ने पिछले बार की चैंपियन टीम ऑस्ट्रेलिया को दूसरे सेमीफाइनल में हरा के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। इंग्लैंड के वर्ल्ड कप का सफर काफी उतार चढ़ाव से भरा रहा। इंग्लैंड की वर्ल्ड कप की शुरुआत तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत से हुई थी, लेकिन उनको पाकिस्तान के सामने हार चखनी पड़ी। लेकिन इसके बाद इंग्लैंड ने अपना मोमेंटम को संभाला और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई। इंग्लैंड को शुरुआत से ही फेवरेट्स कहा जा रहा था और उसका कारण था उनका होम ग्राउंड, और इंग्लैंड को इसका फायदा बखूबी मिला। वर्ल्ड कप के लीग स्टेज का सफर उतार चढ़ाव से भरा रहने के बावजूद अच्छे नेट रन रेट और अंत में मैचेस में जीत हासिल करने की वजह से इंग्लैंड ने पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर जगह बनाई। तीसरे स्थान पर होने की वजह से दूसरे स्थान की टीम ऑस्ट्रेलिया से इंग्लैंड का सेमीफाइनल में मुकाबला हुआ। इंग्लैंड ने अपने आर्च राइवल्स को 8 विकेट से मात दी। अभी तक के टूर्नामेंट में इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने कमाल की परफॉर्मेंस दी है। टीम की तरफ से जो रूट हाईएस्ट रन स्कोरर रहे हैं, वहीं जॉनी बेयरस्टो, जेसन रॉय और ओयन मॉर्गन ने भी कमाल की बल्लेबाजी की है। वहीं अब तक के मैचेस में बेन स्टोक्स ने इंग्लैंड को ऑलराउंडर के तौर पर पूरी तरह से अपना सपोर्ट दिया। गेंद या बल्ले दोनों से ही टीम को जरूरत के समय संभाला है उन्होंने। 2019 के वर्ल्ड कप में बॉलर्स ने काफी तारीफें लूटी हैं। जोफ्रा आर्चर टीम के लिए हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं और इस यंगस्टर ने कितने ही मैचेस का रुख इंग्लैंड की तरफ मोड़ा है। वहीं मार्क वुड, क्रिस वोक्स, आदिल रशीद और लियम प्लंकेट ने भी कमाल का प्रदर्शन किया है। इंग्लैंड अब अपना फाइनल मुकाबला न्यूजीलैंड से खेलेगी। न्यूजीलैंड को लीग स्टेज में भी सबसे ज्यादा मार्जिन से इंग्लैंड ने ही हराया था। क्या अब न्यूजीलैंड इसका बदला ले पाएगी या फिर इंग्लैंड पहली बार वर्ल्ड कप के इतिहास में ट्रॉफी अपने नाम करेगी?